प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला। पहले केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के बियाड़ी मेडिकल कॉलेज एकमात्र मेडिकल कॉलेज था। आज गोरखपुर में एम्स लगभग बनकर के तैयार है। अगले एक डेढ़ महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी के ही करकमलों से उसका उद्घाटन भी होगा। लेकिन मेडिकल कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हुई है। विगत वर्ष बस्ती का मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने प्रारंभ किया, वहाँ एडमिशन चल रहे हैं, एडमिशन हो चुके हैं, विगत सेकेंड बैच वहाँ पर आया है। इसी प्रकार से बहराइच है, वहाँ पे दो वर्ष पहले हम लोगों ने प्रवेश प्रारंभ करके दूसरा बैच इस समय वहाँ अध्ययन कर रहा है। अयोध्या, यही श्रृंखला आगे बढ़ी थी। और दो वर्ष पहले इसी सिद्धार्थनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज की घोषणा मैंने आकर के स्वयं की थी और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत यह मेडिकल कॉलेज यहाँ पर प्राप्त हुआ। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने तीन, जो सात प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस थे, इनको मान्यता दे दी है, जिसमें हर मेडिकल कॉलेज में 100 एडमिशन होंगे। इसमें सिद्धार्थनगर का इस मेडिकल कॉलेज को भी मान्यता मिली है और नीट की काउंसिलिंग के थ्रू यहाँ पर एडमिशन होने जा रहे हैं। यह मेडिकल कॉलेज पहले सत्र के लिए पूरी तरह तैयार है, यहाँ पे क्लासेस प्रारंभ होंगे। और इस कार्य का शुभारंभ करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अनुकंपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। बुद्ध की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करने की दृष्टि से ही आज मैं यहाँ का अवलोकन करने के लिए आया हूँ। सिद्धार्थनगर जनपद से सात नए मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करेंगे, जिनमें एटा है, हरदोई, गाजीपुर, मिर्जापुर, देवरिया और प्रतापगढ़। ये सात मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से आगामी 25 अक्टूबर को प्रस्तावित किया गया है। अभी मैंने इस संबंध में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की एक बैठक ली है। कार्यक्रम को भव्य और व्यवस्थित रूप से कैसे आगे संपन्न करना है, यद्यपि यहाँ पहले से भी तैयारी थी, एनएमसी के अप्रूवल की आवश्यकता थी, वह प्राप्त हो चुकी है। अब ये कार्यक्रम 25 अक्टूबर को प्रस्तावित है, तो उसी कार्यक्रम के दृश्य आज मैं यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर फैकल्टी पूरी है मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल की सुविधा भी है, छात्रावास बन चुके हैं, जो शिक्षक और प्रधानाचार्य की आवासीय सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है और एक अच्छा मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर जनपद में भी अब यहाँ के नागरिकों के लिए उपलब्ध हो चुका है। एडमिशन के साथ यहाँ पर पठन पाठन की कार्रवाई के साथ ही विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा यहाँ के नागरिकों को प्राप्त हो पाएगी। और यह केवल सिद्धार्थनगर जनपद नहीं बल्कि बलरामपुर, महाराजगंज और निकटवर्ती आपका देश, मित्र देश नेपाल से भी बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ पर स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। जनपद सिद्धार्थनगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत और अभिनंदन के लिए पूरी तरह तैयार है और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपनी सहमति दी है और यह कार्यक्रम यहाँ पर होगा, उसी की तैयारी करने के लिए आए हैं। मेडिकल कॉलेज का नामकरण हम लोगों ने माधव बाबू के नाम पर किया है। माधव बाबू यहाँ के एक योग्य सजग राजनीतिक कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ से जुड़े थे और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के पहले अध्यक्ष भी थे। उनके नाम पर इस मेडिकल कॉलेज का नामकरण होना यह काफ़ी
लोगों को उत्साहपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी के सकुशल संपन्न होने पर हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।